हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स अंडर 1500 रुपीज। और गाइस, इस प्राइस रेंज में आए दिन बहुत सारे न्यू ईयरबड्स लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन सभी के सभी इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स बताऊंगा, जिनमें आपको टॉप नॉच लेवल की ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी, कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया होगी एंड बैटरी बैकअप भी कमाल का देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में 35 मिलीसेकंड की लोड एसी फॉर गेमिंग, IPX5 की ऑडिटिंग, डुअल डिवाइस पेयरिंग, और यही नहीं दोस्तों, इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बहुत ही अच्छे ईयरबड्स होंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे समस्या पर एक बेस्ट ईयरबड चूज कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट ईयरबड है ये आते हैं ट्रूक की तरफ से, ट्रूक बर्ड्स क्लैरिटी 5। और गाइस, ये अभी ट्रूक की तरफ से कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए हैं एंड फीचर वाइज तो बहुत ज्यादा तगड़े हैं। इनमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग, कॉलिंग के लिए 6 माइक्रोफोन, 80 आवर्स की लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड साथ में ऑडियो क्वालिटी भी काफी सही है। ये आते हैं लेटेस्ट Bluetooth 5.3 के साथ एंड कनेक्टिविटी भी सुपर फास्ट है और डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी सपोर्ट दे रखा है, तो एक साथ आप इन्हें दो फोन में पेयर कर पाओगे एंड साथ ही साथ IPX5 की ऑडिटिंग दे रखी है। एंड वहीं इस पर आप तगड़ी गेम भी कर सकते हो क्योंकि इसमें 35 मिलीसेकंड की लोड ऐसी मिल जाती है। बाकी बात की मेन ऑडियो क्वालिटी की, तो इसमें 39 का ड्राइवर्स यूज किए हैं और लाउडनेस काफी अच्छी है, फुल वॉल्यूम पर भी आवाज फटती नहीं है। ऐसे साथ में इसमें आपको 3 मोड दे रखे हैं, मूवी मोड, बेस, बूस्टेड मोड और डायनामिक मोड। तो मूवी मोड में आपको वोकल्स में क्लैरिटी काफी अच्छी सुनने को मिल जाएगी एंड ट्रबल भी ऑन पॉइंट है और बेस भी काफी अच्छा है। इतना पावरफुल बेस नहीं है बट फिर भी अच्छा बेस सुनने को मिल जाएगा। एंड वहीं डायनामिक मोड में वोकल्स, ट्रबल और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन पर ज्यादा फोकस रहता है एंड बेस बहुत ही कम हो जाता है। और इसके बेस बूस्टेड मोड में ये ट्राई तो करता है बेस इफेक्ट को एनहांस करने की, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो ओवरऑल मूवी मोड में आपको ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी एंड वहीं इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। इसमें आपको 6 माइक्रोफोन दे रखे विद ENC मींस 3 माइक इन ईच ईयरबड्स। तो आउटडोर में आप नॉर्मली वॉकिंग करके बात करो तो कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाएगी, अराउंड 85-90% तक आपकी बातचीत फोकस रहेगा। बट अगर आप बाइक ड्राइविंग करके बात करोगे तो ये थोड़ा बहुत विंडो से कैच करते हैं, जिसकी वजह से 60-70% तक आपकी बातचीत फोकस रहता है। तो ओवरऑल स्टेबल कंडीशन में ज्यादा बेटर कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। और उसी के अलावा गाइस, बात करूं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 80 आवर्स का बैटरी मिल जाएगा विद केस एंड विदाउट केस 8-10 घंटे तक का बैटरी लग देंगे। बाकी बात तो प्राइसिंग आपको 1500 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस, पिता नंबर 2 पे ये आते हैं ओप्पो की तरफ से, ओप्पो एनको बर्ड्स 2। और गाइस, अभी जिनका प्राइस 1800 रुपए है बट कुछ टाइम पहले सेल में आपको 1400 रुपए के मिल रहे थे एंड नेक्स्ट मंथ फिर से सेल आने वाली ही है, तो ये आपको दोबारा 1500 के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। और इस प्राइस रेंज के अंदर पूरे वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स हैं, तो अगर आप 1500 रुपए के अंदर एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसे आप जरूर कंसीडर करना। ये आते हैं 10 mm का ड्राइवर साथ एंड डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दे रखा है और इनकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना, सच में बहुत ही कमाल की है। बेस बहुत ही बढ़िया है, ट्रबल भी ऑन पॉइंट है और जो वोकल्स में क्लैरिटी वो भी काफी मस्त है। ऐसे साथ में है मेडी ऐप का भी सपोर्ट दे रखा है, तो म्यूजिक को और भी अच्छी तरीके से ट्यून कर पाओगे। तो ओवरऑल एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आप जरूर कंसीडर करना। और उसी के अलावा बात उसकी कॉलिंग क्वालिटी की, तो इंटर में तो कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है बट आउटडोर में ज्यादा ही नॉइजी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत बगैर नॉइज से कैच करते हैं, बट फिर भी 60-70% तक आपकी वॉच से फोकस रहता है। बाकी बात उसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको Bluetooth 5.2 मिलता है लेकिन कनेक्टिविटी काफी फास्ट है एंड साथ में IPX4 की ऑडिटिंग भी दे रखी है। और फर्दर बात उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इस पर आप बस कैजुअल गेमिंग कर पाओगे क्योंकि इसमें आपको 80 मिलीसेकंड की लोड एसी मिलती है और वहीं ये आपको 28 आवर्स का बैटरी लाइफ दे देंगे विद केस एंड विदाउट केस 5-6 घंटे तक का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जो कि आपको टेबल चार्ज पे 1 आवर्स तक का डिलीवरी टाइम दे देंगे। बाकी बात तो प्राइस की, तभी आपको 1800 के मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, बट अभी थोड़ा वेट करो, सेल में इनका प्राइस 1500 रुपए के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। और उसी के अलावा गाइस, अगर आपको 1500 रुपए के अंदर एक ऑलराउंडर ईयरबड्स चाहिए तो Realme T100 और Bose 141 Neo काफी अच्छे ईयरबड्स हैं। इन दोनों में कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाएगी, लाइक 80% तक आपकी वाजिब फोकस रहेगा, बट ऑडियो क्वालिटी में ओप्पो एनको बर्ड्स 2 ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको ज्यादा कॉलिंग करनी है तो इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। वही हिसाब से नंबर 3 पे आते बोल्ट की तरफ से बोल्ट ऑडियो Z60। और गाइस, ये भी ईयरबड्स अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए हैं एंड ये बोल्ट की तरफ से आने वाले बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं। बट सबसे पहले बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको लेटेस्ट Bluetooth 5.3 मिलता है एंड साथ में IPX5 की वाटर रेटिंग भी दे रखी है। और वही इस पर आप अच्छी खासी गेम भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको 50 मिलीसेकंड की लोड ऐसी मिल जाती है। बाकी बात करूँ उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, तो 30 mm के बूमएक्स ड्राइवर्स यूज किए हैं और बड़े ड्राइवर होने की वजह से लाउडनेस काफी अच्छी है, फुल वॉल्यूम पर भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है और वोकल्स में क्लैरिटी भी काफी सही है। बट इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इतना अच्छा नहीं है लेकिन बेस काफी तगड़ा मिल जाता है, मींस एक पावरफुल और पचरे साथ सराउंडिंग बेस सुनने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बस इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में थोड़ी और क्लैरिटी हो सकती थी। एंड इसी के अलावा बात उसकी कॉलिंग क्वालिटी की, तो क्वाड माइक दे रखे विद ENC और इसकी कॉलिंग क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, मींस आउटडोर में इसकी कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है, अराउंड 85-90% तक आपकी वॉच फोकस रहता है। एंड वहीं इसमें 60 आवर्स का बैटरी मिल जाएगा विद केस एंड विदाउट केस 7-8 घंटे तक का बैटरी दे देंगे। साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जिसमें आपको 10 mm चार्ज पे 150 mm का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइसिंग, तो ये आपको 1500 के मिल जाएंगे अमेज़न के ऊपर। तो
डिवाइस तो नंबर 4 पे या तो ओरामो की तरफ से ओरामो फ्री पॉड्स 4। और गाइस कटलिन का प्राइस अभी 1800 रुपए है, बट ये भी कई बार 1500 रुपए के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड अपकमिंग सेल में इनका प्राइस डेफिनेटली 1500 रुपए के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। एंड ये लुक एंड डिजाइन वाइज तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और साथ में फीचर वाइज भी काफी तगड़े हैं। बस इसमें वो कनेक्टिविटी के लिए बीटी 5.2 मिलता है, बीटी 5.3 होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन इसमें वो बोल के फास्ट पेरिंग दे रखी है सिमलेस कनेक्टिविटी के लिए। और सबसे अच्छी बात इसमें आपको 30 डीबी तक का एनसी भी दे रखा है जो कि 60-70% तक आपकी बैकग्राउंड से कंसर्ट कर देगा। एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी, अपने आसपास के एम्बिएंट साउंड भी सुन पाओगे। बाकी अब बात उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, तो ब्रांड ने ड्राइवर्स मेंशन नहीं किए हैं, बट फिर भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, ट्रबल काफी अच्छे से ऑटोमाइज है एंड वोकल्स में क्लैरिटी भी काफी सही है। और जो बेस है वो भी अच्छा है, लेकिन जो पजनेस होती है बेस में वो इतनी फील नहीं होती है। बट इसमें आपको ऐप का भी सपोर्ट दे रखा है जिसमें आपको 5 कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं जिससे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और साथ में अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक को भी ट्यून कर पाओगे। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है एंड उसके अलावा कॉलिंग के लिए भी कॉर्ड माइक दे रखे विद ईएनसी, तो इसकी भी कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है। आउटर में भी कोई दिक्कत नहीं होती कॉलिंग क्वालिटी को लेकर, अराउंड 70-80% तक आपकी वॉच पे फोकस रहता है। एंड बात करें गेमिंग की तो गेमिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है, इस पर आप नॉर्मली बस कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। एंड नेक्स्ट बात करें बैटरी की, तो 35 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा विद केस एंड विदाउट केस 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देंगे। एंड साथ में 5 मिनट डिवाइस का भी सपोर्ट दे रखा है, लेकिन ये सिर्फ तभी वर्क करेंगे जब आपको 4 कनेक्ट होगा ईयरबड्स से, तो काफी अच्छे ईयरबड्स हैं, आप जरूर कंसीडर करना। बाकी बात तो प्राइस की, तभी आपको 1800 के मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, लेकिन सेल मिल का प्राइस 1500 रुपए के आसपास देखने को जरूर मिल जाएगा। एंड वहीं गई अगर आपको अभी एसी वाले ईयरबड्स चाहिए वो भी 1500 रुपए के अंदर, तो ट्रूक की तरफ से आने वाले ट्रूक बर्ड्स वाइब भी काफी अच्छे ईयरबड्स हैं। इनमें आपको 35 डीबी तक का एसी मिल जाता है जो कि 70-80% तक आपकी बैकग्राउंड से कंसर्ट कर देगा और साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी, तो अपने आसपास की एक्टिविटीज को भी सुन पाओगे। बाकी इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है, बस थोड़ा बेस कम है, अदरवाइज ऑडियो क्वालिटी काफी सही है। और उसके अलावा कॉलिंग के लिए भी क्वाड माइक दे रखे विद ईएनसी, तो इंटर में तो कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, बट आउटर में थोड़ा बैकग्राउंड से कैच करते हैं। अराउंड 70-80% तक आपकी वॉच पे फोकस रहेगा, तो ओवरऑल काफी अच्छे बर्ड्स हैं ईएनसी के साथ। बाकी बात तो प्राइस 1500 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस इसका कितना नंबर 5 पे या तो बोट कैप से बोट एडोप्स 141 एएनसी। और गाइस ये बोट कैप से आने वाले लेटेस्ट ईयरबड्स हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं। एंड आप सभी को पता ही होगा कि बोट एडोप्स 141 काफी पॉपुलर ईयरबड्स हैं, तो ये उसी के नेक्स्ट वर्जन है जो कि एएनसी के साथ आते हैं। तो गाइस अगर आप अपना बजट 200 रुपए से बढ़ा सकते हो तो ये बोट कैप से आने वाले एएनसी के साथ काफी अच्छे ईयरबड्स हैं। इनमें भी एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट बीटी 5.3 मिलता है और रिस्टेट वेकअप पेयरिंग का भी सपोर्ट है एंड साथ में आईपीएक्स 5 की वॉटरिंग दे रखी है। एंड सबसे अच्छी बात इनमें भी आपको 32 डीबी तक का एएनसी मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है, 75-80% तक आपके बैकग्राउंड से कंसर्ट कर देगा और साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, तो अपने आसपास के एम्बेड साउंड भी सुन पाओगे। एंड वही इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी अमेजिंग है, इसमें 10 एमएम के ड्राइवर्स यूज किए हैं और इसमें आपको 2 मोड दे रखे हैं, एक बैलेंस मोड और एक सिग्नेचर मोड। तो बैलेंस मोड में आपको सब कुछ बैलेंस सुनने को मिल जाएगा, मिक्स वोकल्स, ट्रबल, इंस्ट्रूमेंट सप्रेशन और बेस सब कुछ बैलेंस सुनने को मिल जाता है। एंड वही सिग्नेचर मोड में आपको बेस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मिक्स जो पचरस होती है बेस में प्रॉपर फील कर पाओगे एंड वोकल्स में क्लैरिटी भी काफी सी रहती है ज्यादा बेस होने के बाद भी। बाय गाइस इसमें भी आपको कॉलिंग के लिए कॉर्ड माइक दे रखे विद ईएनसी एंड इसकी भी कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है। आउटर में भी 80-85% तक आपकी वॉच पे फोकस रहता है और साथ में गेमिंग के लिए 50 मिलीसेकंड की नोटिस दे रखी है, तो इससे भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। एंड उसके अलावा बात करें बैटरी की, तो 42 आवर्स तक बैटरी का मिल जाएगा विद केस और विदाउट केस 5-6 घंटे तक का बैटरी का दे देंगे। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जिसमें आपको 10 मिनट चार्ज पे 150 मिनट का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइस की, तभी आपको 1700 का मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस ये थे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स जिन्हें आप बाय कर सकते हो, सभी के सभी अपने प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।